नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी इस तो सारे ठीक हो लिया। जी हाँ, आज मेरा सुन सुनने आया अपना फेवरेट प्रोग्राम है नहीं गलबात। ये जड़ी कॉलम दिया ना, ये बेचैनियां रह लिया, माजरा तुसने करी। सो तुसने कल लेने स्क्रीन ऊपर अपने एक खास मेहमान एडवोकेट एहसान मिर्जा साहब, ने कि सारे जानने को सरकारों के मोहताज नहीं थे, बिकॉज इस पेज ऊपर भी वो काफी बार आ चुके ने। राजौरी तो इन्हें ताल्लुक था, और बेसिकली ए फॉर्मर एडवोकेट जनरल जैन के हाई कोर्ट रहे ने, और एग्जीक्यूटिव मेंबर थे पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने। उस तो बाद ऐसे कहने दे अंसर अब्बासी साहब, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, और धीर कोर्ट तो इन्हें ना ताल्लुक था। कहने कुछ देखा लेने स्क्रीन ऊपर असद नवाज साहब की, जड़े के सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, हजीरे तो इन्हें ना ताल्लुक था। मैं अपने बुजुर्ग की हजीरे की हमेशा चेहरा सुनया ना आने के ऐसे ना ताल्लुक चेहरे तू था। सो ये जरा से सीरीज स्टार्ट की सारे की मैं दसना चाहनी, और काफी लोग जानने हैं, बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। और मैं लगना कि बड़े व्हाट्सएप ग्रुप बने ने जिसकी बड़ियां गल्ला होनिया, बड़े मैंने इसके पूरी पूरी रात लोग शायद शायद ऑडियो क्लिप्स देने होने उसी, लेकिन इस चीज में जरूरत थी प्रैक्टिकली। मैं लगना कि एक दुए ने नजरिए की समझना, एक दुए ने गलबात करना, गड़े ऐसा रखी तरह खास करके ऐसा पीर पंजालना। सो इन देर लोग पीपल टू पीपल कनेक्ट ना, उसी एक दुए की सुन लेना, बुझ लेना, एक दुए ने बारीक जान लेना। सो इन देर कोई भी चीज जड़ी थी वो पॉसिबल नहीं थी, और लोगों की जड़ी थी हकीकत का रूबरू करवाना बहुत जरूरी था। सो सब तो पहले मैं तुझे सारे की वेलकम आने अपने इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया कि तुझे इतना टाइम कढ़िया। और एहसान मिर्जा साहब को ला मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर सा। एहसान मिर्जा साहब, सब तो पहले तुमने की दसा कि इंटरनेट नहीं क्या सूरत हाल दी राजौरी, क्योंकि मैं उठे नहीं रहनी, और मैं तुमने की दसा कि ये प्रोग्राम में कि 4-5 दिनों ये टाइप करने आ, लेकिन पहले तो काफी लोग जड़े थे सामने नहीं आए, जड़े ए ने उन्हें नहीं इंटरनेट ने इतनी बुरी सूरत हाल दी पारले पास है कि मैं तुम्हें दसी नहीं सकनी। सो इंटरनेट तुम्हें स्टार्ट करना चाहनी प्लीज, राजौरी नहीं खास करी। देखो मैडम, सब तो पहले तो मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करना चाहना कि तुसा ये इनिशिएटिव लिया के बेसिकली अस वो बिछड़े लोग जिन्होंने बेस एक्चुअली सेम है, जिन्होंने रूट्स एक्चुअली सेम हैं, उन लोगों ना चलो साढ़े बॉर्डर अलग है ना, दूर दूर हाँ, लेकिन साढ़े जज्बात, साढ़े एहसासात, साढ़ी बड़ी चीजा जो कॉमन मिलती हैं। सब तो बड़ी गल साड़ी बोली, साड़ी लैंग्वेज जिसे अस पहाड़ी आखने हैं, और जो मेजोरिटी भी जो साढ़े लोग साढ़े भरा जो उस तरह बैठे गए, तो तुसा जरा एक दूए नाल राबता करवाने नहीं या गलबात रखने नहीं, जी तुसा की कोशिश है, मैं इसी सलाम पेश करना, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिथे तक मैं ये जो दो साढ़े साथी हैं, मैं मसा देख ये हले कोई इतनी लंबी छोड़ी गलबात नहीं हुई, लेकिन इं लग रहा है कि जिस तरह कोई बड़े अपने लोग हैं अपने, शायद एक लकीर जिस लकीर की वजह थू अस थोड़े जे एक दुए थू दूर हाँ, लेकिन साड़ा खान पीन, साड़ा रहन सहन, साड़ा मैक्सिमम लाइक कल्चर जो एक दुए नाल शेयर करते हैं, और अपने बुजुर्गों को अस भी सुनने रहे हैं कि मेरा वो साथी उत्थे चला गया या उधर चले गए, खासकर जो साड़ी हिंदू बरादरी के लोग जो उधरों इधर शिफ्ट हो आए, तो वो अपने उस इलाके की बड़ी साढ़े नाल भी गल्ला करते हैं, बे के जनाब असल ना मीरपुर ना फलाना शहर सी या कोटली ना वो सी या दुए किस लेवल ना, और इसे तरीके नाल अस जो इतने रहने इस वक्त है, काफी लोग उधर भी चले गए 47 तो बाद 65 तो बाद, जो उत्थे भी कई लोगों की पूछने जनाब वो बुदलकंडी कैसा वै, वो काला कोट के जाए, पूछना फलाना इलाका के जाए, जी सारी चीजा मैं तुसा की बड़ी मुबारकबाद पेश करना। इस तरीके की चीजा जो कंटिन्यू रहनी चाहिए ताकि अस एक दुए की अंडरस्टैंड भी करी सकी, एक दुए समझिए भी। बाकी जिदा तक गल रही तुसा इंटरनेट की गल रही, तो मैं ईमानदारी कह रहा कि तुसा देखा उसी कि सब तो स्ट्रोंग इंटरनेट साड़ा रजौरी वाला ही चल रहा है फिलहाल, तुसा ने बारी बारी इंटरनेट जो अगे पिछे तिना साथियों ने अगे पिछे गए, लेकिन मेरा इंटरनेट बिल्कुल नहीं हलिया। शायद उसका रीजन यह भी हो सकता है कि इतने शायद यूजर तुसा इतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी साढ़े इतना इंटरनेट, क्योंकि जदू ना पूरे हिंदुस्तान ने अंदर तुम देखा उसी जियो जरा नैटवर्क आया था खासकर, मतलब मैं तो आना कि दुनिया के अंदर ऐसा नैटवर्क तुम्हें नहीं लगेगा। जो मेरे साथी सुन रहे, मैं इन्हें भी दसना चाहना, अगर इन्होंने वैसा कुछ हो सी स्कीम वो भी साड़ी नॉलेज हो सी कि इतने अगर तुम 199 रुपये ना रिचार्ज कराओ तो मैं लगता है कि अनलिमिटेड उसी का डाटा यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड मतलब हूँ तुम अनलिमिटेड समझियो 2 GB 10 GB 50 GB। इस गुणों असा इतना घर घर साढ़े रजौरी शहर के अंदर जो इतना जियो फाइबर जो असा लाया था, और उस जियो फाइबर ना नैट नहीं था असि कोई इतनी दिक्कत नहीं। हाँ जो दुए टॉवर जो जनरल टॉवर जिस तरह मोबाइल ना नैटवर्क है उसी थोड़ी दिक्कत है उसी थोड़ी, क्योंकि उसने यूजर काफी है, और तुम्हें पता है कि इतना जियो जो है उसने फ्री ऑफ सीजन मतलब उसी इनकमिंग कॉल फ्री है, अनलिमिटेड उसी कॉल फ्री है, उसी सिंपल असा 199 रुपये रिचार्ज कराना होना फोन ने, और उसी 2 GB डाटा जो अस यूज कर सकते पर डे उस ऑफर ते इंटरनेट ते असा की मतलब बढ़िया बहुत बढ़िया। ए एहसान साहब, जियो दा रिलायंस ना दा ना अंबानी ना? जी जी बिल्कुल।
और 2 GB डाटा जेड़ा था वो तुस रोज ना यूज करने आते हैं, मतलब 199 जेड़ी थी वो तुस महीने बाद करवाने आ, मतलब वो बेसिकली फी चार्जेस दे हो ओ महीने जे एक बार तुसे रिचार्ज कराना है 199 उस प्लान वो प्लान है उस प्लान ने अंदर फिर 2 GB डाटा पर डे पूरे 3 दिन अस यूज कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी फोन मतलब अदर देन जियो अस किसी की BSNL या Airtel या किसी भी कॉल करेंगे तो जितनी मर्जी अस अनलिमिटेड कॉल करा वो 199 रुपए चला सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आंसर साहब को लेता, आंसर साहब तुम इसलिए कुछ बैठे ने आंसर साहब तुम इसलिए मतलब पार्ले पूंछ दिया या कुछ कराची इस्लामाबाद दिया मैं कि सुनी नहीं सका लेने। सो आसद साहब मैं तुसे को लेता तुसे को लाई चीज पूछना चाहनी इसके 2 दिनों ये तुसे की पता उसी शायद कि मैं इतनी ट्राई की थी कि मैं मेहमान पेज ऊपर अच्छी गल करें बट इंटरनेट ने इतनी मुश्किल लास्ट टाइम जो आपसे गलबात प्रोग्राम की था आसद साहब भी गायब हुई है मसाले क्वेश्चन पूछ ले नहीं और आसद साहब ने कहा था वाईफाई ले आना। सो ये सूरत हाल दी इंटरनेट नहीं तो किस तरह मैं प्रोग्राम पार्ले लोगों की किस तरह मैं शामिल करा मेरी समझ नहीं है नहीं और वाईफाई ना आता। सो आंसर साहब तुम पढ़ के सुनी सकने जी बिल्कुल ओके। सो तुम इस लगे शहर बैठे ने मैं इस टाइम करंट लाहौर बैठा है लाहौर पाकिस्तान। तुसे ना तालुक जड़ा दा धीरकोट तू दा धीरकोट कुत्थे पैना केडी डिस्ट्रिक्ट इच सना डिस्ट्रिक्ट बागद लगरा इस टाइम जड़ा पहले ते वैसे पूरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ ही आसा लेकिन इस टाइम जड़ा जदों डिवीजन होई नवी डिमार्केशन होई ते इसना जड़ा डिस्ट्रिक्ट बागद आसा ना ते असरा जड़ा ग्रां दा नीलाबट दा नीलाबट धीरकोट यानी धीरकोट जड़ा थोड़ी मशहूर जगह दी टाउन दा इस हिस्से ओ धीरकोट जड़ा तारफा इस हिस्से कराने के ज्यादा ज्यादा लोगों को पता चले कि अस केड़े इलाके ने रहना है। तो सुनी सकने मैं हाँ जी मैं सुनी सकनी लेकिन वो मैं आसद साहब की इन्हीं नीले नहीं सीज ना। सो तुसने की दसा कि इंटरनेट ने तुसने बाग बीच क्या हालात दे हालांकि काफी हद तक मैं कि हालात पता चलिए ने बट तुसने कोला मैं सुनना चाहनी असा ने जेड़े इंटरनेट ने मामला ते इंटरनेट टू अलावा जेड़ा टोटल जेड़ा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम है ना बहुत बोगस सिस्टम दा तो भी बढ़िया ना इंटरनेट नहीं है पोजीशन थी कि बाद में अगर ग्राउंड में से कोई पोस्ट करी तो पोस्ट अपलोड करी तो वेट करना पैना कोई 2 घंटे 3 घंटे या कमेंट करी तो उसके बाद वेट करना पैना 2 घंटे बाद अपलोड होना पहले दस ही हो जाना इंटरनेट ने बहुत बुरे हालात है। दूसरी गल जिस तरह मित्र साहब दसने के 199 अनलिमिटेड पैकेज किन्ने असर जो इंटरनेट का मैं अगर 10 GB प्लस कॉल द्वारा यानी 200 मिनट और ऑनलाइन मिनट ही होने से वो तकरीबन 1000 रुपये ना था मंथली पर अगर वीकली अनलिमिटेड इन्ना इंटरनेट तो तकरीबन 4500-5500 रुपये ना था वीकली और असर की कम्युनिकेशन भी जरा इतनी कोई अच्छी नहीं कॉल वगैरह करने के बाद इस तरह होना कि सिग्नल जी जी आवाज तुसने मिकी लोरा भी कोई खास अच्छी नहीं है लेनी मैं रिक्वेस्ट कर सा ऑडियंस की कि प्लीज बंदे कॉल नहीं करनी या आवाज नहीं करनी तो सही तरह उस चीज से या उस भी सुनी जा सकता ए एक्चुअली असद साहब ना भी इंटरनेट प्रॉब्लम करना लेना और मैं बिल्कुल सुनी सकनी सोरा से सुने और मैं तो 4-5 हज़ार सुनी तो सच्ची में की ना मतलब हैरानगी हुई कि 4-5 हज़ार रुपए तो उस पर मंथ। मैं रिक्वेस्ट कर सा ऑडियंस की प्लीज अगर कुछ रोमन ही सुनी सकने या इंग्लिश ही लिया आंसर साहब 1 मिनट प्लीज। सो रोमन या इंग्लिश लिखा मैंने पढ़ी सकनी। सो असद साहब मैं तुसे बोले सा कि तुसे ने बस इंटरनेट की क्या सूरत हाल दी शॉर्टकट विच दस्या बिकॉज क्वेश्चन काफी सारे दे और काफी चीजा कवर करनी आसे असद साहब तुस मन की सुनी सकने हो मैं आवाज तुसने रुकी रुकी तो आशनी बिल्कुल बिल्कुल पहले तो डिस्कनेक्ट हो गया था उन दोबारा कनेक्ट होया तो उन तुसने आवाज आशनी थोड़ी जी लेकिन नहीं मैं पूरी गल समझ नहीं आ सकया मैं आनीस के तुसने फसा इंटरनेट ने क्या पैकेजेस दे क्या सूरत हाल दी तुस मन की सुनी सकने हो ए ने ना इंटरनेट ना देखा है वाईफाई ने कर लिया ना। सो एहसान मिर्जा साहब एक कमेंट भी कोई आ लेना चुक चुकते ही सरदार अकील कयूम साहब की ये बंदा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है पैकेजेस की बट सर्विस बहुत खराब है बाग एजेके में और पुराने एजेके में। सो बाबर हुसैन साहब हाल ने असें कि मैं आपको बलोच एजेके से सुन रहा हूँ।